नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक अभिलाष करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जितने प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। चिंताएं हो रही हैं आपको अपने ग्रोथ को लेकर के, फाइनेंशियल वरीज ज़्यादा है, ओवरऑल आपका काम आगे कैसा रहने वाला है, गुड अमाउंट में नेम फेम रिस्पेक्ट सक्सेस कब तक आपको मिल सकेगा, लोन कब तक ख़त्म हो सकेगा, ओवरऑल स्थिति क्या है आपकी। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये दिखाई दी है कि आपके पाम में मून लक लाइन बहुत स्ट्रांग कंडीशन में जाता जा रहा है। मून लक लाइन यहाँ पर आपके इच्छा मन नियत को दर्शाता है और यहाँ पर जब इसका कनेक्शन सैटर्न माउंट से होता है तो आप जैसे जातकों का सारा इच्छा अरमान और मन का काम जीवन में निश्चित रूप से पूरा होता है। ये भाग्य रेखा का काम ही है व्यक्ति को उनके अपने पैशन हॉबी इंटरेस्ट को फॉलो करवाना और उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलवाना। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जीवन में अप डाउन तो आपके डेफिनेटली लगा रहा है, लेकिन कभी भी आपकी इच्छा अरमान आधी अधूरी नहीं रहेगी, ना कभी रही है। जो भी कुछ चाहा है जीवन में पूरा हुआ है और आगे भी पूरा होगा। अब इस लक लाइन में प्रॉब्लम ये है कि चंद्र के क्षेत्र पर इसके ऊपर क्रॉस का साइन आ गया है, जिसके कारण डर, भय, चिंता, अनावश्यक सोचना, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि चंद्र जैसे मन का कारक है और क्रॉस का साइन नेगेटिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 90% केसेस में ये नज़र दोष और हवा बाधा को भी दर्शाता है, जिन सब का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अभी आपको जितना हो सके गुप्त तरह से कार्य करना है, अपने नियत इच्छा अरमान जैसी चीज़ों को बतलाना नहीं है और पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा काम करना। जैसे एक बात बहुत यहाँ अच्छी दिखी कि आप रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, जबकि ये सुविधा आपके पास बहुत ज़्यादा है और आप जैसे जातकों के पास ये सुविधाएँ होती हैं, लेकिन परमात्मा आप जैसे जातकों की परीक्षा ऐसी समय पर ले रहे होते हैं जिसमें विपरीत परिस्थिति में क्या आपकी नियत डोलती है या आप नियतबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। चंद्र के भाग्य रेखा में जितना ज़्यादा लोगों के काम आए, लोगों को फ़ायदा दें, लोगों के साथ जुड़ करके रहें, उतना ज़्यादा भाग्य बढ़ता जाता है और परमानेंट सक्सेस लाइफ में मिलता है। तो यहाँ पर चंद्र का उपाय तो करना ही है, लेकिन यहाँ जो आपने ये नियत रखी है ये बहुत ज़्यादा शानदार है और इस नियत पर आप अमल करते रहिएगा, क्योंकि अभी आपकी भाग्य रेखा बहुत मजबूत स्थिति में आने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही भाग्य रेखा आपके माइंड लाइन को टच हो रही है, ये समय आपके जीवन में 38 का है, 38 और 9 के मिड का, तो इस पीरियड से आपकी लक लाइन एकदम स्ट्रेंथ में आते हुए आगे गई और उल्टा फिश सिंबल का साइन शनि के क्षेत्र पर बना दिया। इसका तात्पर्य यह होता है ये सडन गेन और प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। दो तरह के फिश सिंबल होते हैं, एक ऊपर की तरफ बनते हैं और एक नीचे की तरफ बनते हैं। जब नीचे की तरफ बनते हैं तो इसमें जीवन में कठिनाइयां, संघर्ष शनि देवता ज़्यादा देते हैं, लेकिन उसी हिसाब से नेम फेम सक्सेस और मेन कारक सैटर्न जो है स्टेटस के हैं। तो स्टेटस आपका परमानेंट लाइफ में रहने वाला है और मल्टीपल हॉस्पिटल्स ब्रांचेस खुलने के चांसेस 38 और 9 के एज के बाद से देखने को मिलेगा। ओल्ड एज तक आते आते अर्थात ये जो समय की बात कर रहे हैं हम, ये 56-57 का है, तो यानी इस पीरियड तक आते आते आपके मल्टीपल ब्रांचेस हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये फिश सिंबल लेट और थोड़ा संघर्ष के बाद अपने असर देता है, लेकिन ये परमानेंट असर देने वाला स्थान है। ये कभी भी टेम्पररी रिजल्ट्स नहीं देते कि थोड़ी सफलता मिली फिर पीछे आ गए, ऐसा नहीं। सफलता मिल रही है तो अब मिलते ही चले जाएगी, सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते ही चले जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि इतनी ज़्यादा चिंता क्यों, इतना अच्छा सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति क्यों? तो जब भी बाहरी मंगल से रेखाएं सूर्य की तरफ आ रही होती हैं तो ये जीवन में चुनौतियां, संघर्ष ज़्यादा देती हैं। जैसा आपने लोन डेप्ट ले रखा है, ये इन्हीं रेखाओं के बल पे आपने लिया है, क्योंकि ये रेखा सेनापति बनाती है। किसी भी तरह का युद्ध करने से अर्थात नेगेटिव सिचुएशन सिनेरियो से फाइट करने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। हिम्मत, हौसला, बुलंद किस्म की प्रवृत्ति यह देता है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। और जितना ज़्यादा हिम्मत के साथ में और संघर्ष के साथ में कोई काम करते हैं उतना ज़्यादा परमानेंट सक्सेस लाइफ में देखने को मिलता है। ये कॉम्बिनेशन चरित्रवान बनाता है, अपने काम के प्रति व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है। हर छोटे छोटे चीज़ में भी थोड़ी बहुत झंझटें, रुकावटें, तकलीफ होती है, लेकिन अंततः आप जैसे ज़्यादा संघर्ष करते हुए मज़ा करते हैं। ये रेखा चुनौती में व्यक्ति को मजबूत स्थिति और मानसिकता और विपरीत राजयोग को निर्मित करती है। यही सारे कारण भी हैं कि आपके सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ देखेंगे तो दो मजबूत स्थिति में रेखाएं निकली हुई हैं, वो भी वी सिंबल बना करके। इसका तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक एक से अधिक माध्यम से कंटिन्यूस अर्निंग करेंगे और उस अर्निंग से भी अर्निंग करना, यानी इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग से भी ग्रोथ होने के ये कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है।
ये एक्टिव जो प्रोमिनेंटली हो रहा है, क्योंकि सूर्य की रेखा बहुत पहले से जागृत हुई लेकिन अभी तक मजबूत नहीं हुई आपकी, वो मजबूत हुई है सूर्य पर्वत पे जो उम्र 45 को दर्शाता है। तो यानी आपको जीवन में अप्रोक्सीमेटली 38 के बाद जो सक्सेस मिलने वाला है, तो 45 के इस तक आते आते सारे डिज़ायर एम्बिशन गोल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जिस तरीके का इनफ सक्सेस गेन आप देखना चाह रहे हैं, खासकर नेम फेम रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकेगी। बहुत अच्छा वेल्थ आप क्रिएट कर सकेंगे लाइफ में। उसके पीछे दो कारण हैं। पहला, जब भी मंगल के क्षेत्र पर इस तरीके का रेक्टेंगल बनता है, सैटर्न पे फिश सिंबल होता है और लाइफ लाइन के आसपास में ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी को बढ़ाती है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कराती है और इन्हीं सारी चीज़ों से और ज़्यादा धन दौलत संपत्ति व्यक्ति के जीवन में बढ़ता है। तो अगर हम लाइफ लाइन से भी देखेंगे आपकी उम्र को, तो ये उम्र अप्रोक्सीमेटली 42 का बैठेगा। तो यानी 38 के बाद से जो प्रोग्रेस है, वो सब प्रोग्रेस आपको ओवरऑल गेंस में तब्दील होने वाला है, कंटिन्यू गेंस होगा। और ऊपर से जब राहु के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन होता है, तो ये इंसान को गिरने नहीं देते। आप जैसे जातकों को डर भय चिंता हो सकती है ज़रूर, लेकिन आपका नेगेटिव थिंकिंग कभी भी एक्यूरेट साबित नहीं होगा या नेगेटिव आपके साथ ज़्यादा लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि राहु इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आप जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए और अपने अंदर लिमिट मत लगाइए किसी भी चीज़ का। तो राहु लिमिटलेस रिजल्ट्स पॉजिटिवली देते हैं, ये एक सिक्योरिटी का साइन है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये बना कैसे, ये आई वरी लाइन यहाँ पर आपकी खूब सारी, और उसमें से आपकी लक लाइन और ऊपर से अनदर लाइन ज्वाइन होकर के स्क्वायर का साइन बना दी। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि विपरीत राजयोग यहाँ निर्मित हुआ है कि नकारात्मक परिस्थिति जीवन में और ऊपर उठाने और आगे बढ़ाने लेकर के आपको आई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बड़ी वरी लाइन कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जनरेट हुई है अप्रोक्सीमेटली 30 and a half की उम्र से, और इसका ड्यूरेशन है 34 के एज तक, करेक्टली 34 and 5 के एज तक ये जा रही है। इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे कि सेकेंड वन लक लाइन को हल्का सा काटा है लेकिन माइंड लाइन तक नहीं पहुंचा है। ये समय आपके जीवन में 35 से लेकर के 37 के मिड का है, जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम फेस करना होगा वो आपके फाइनेंस करियर से रिलेटेड ही रहने वाला है, मेंटल स्ट्रेस प्रेशर तक बात नहीं जा रही है। और इसके जस्ट बाद में एक और 38 में आ रही है लाइन, लेकिन अंततः यहाँ पर बन गया है अब स्क्वायर का साइन। तो ये 38 में भी जो स्ट्रगल स्ट्रेस आएगा, ये और बड़ी अपॉर्चुनिटी और ऊपर उठा करके आपको लेके जाने वाला है, क्योंकि राहु की ताकत इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि राहु की इन लाइंस ने जितना आपको वरीज दिया है, जो एक्सपीरियंस आपने अभी पिछले 3 to 4 years में देखा है और जो आप अभी देख रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जब ये स्क्वायर का साइन एक्टिव होने वाला है, तो ये अब कितना ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स हर विषय में देगा। इसीलिए यहाँ पर इसे अनएक्सपेक्टेड गेंस कहा जाता है, जिसका कोई लिमिट ना हो। बस यहाँ पर ये ज़रूर हिदायत दी जाती है कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से पीछे ना हटें। अपॉर्चुनिटी का तात्पर्य कोई नया काम आ रहा है, कोई नया इस आपके पास ऑफर आ रहा है, वो डेफिनेटली आपको ले लेना चाहिए, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। ये सब आपको 38 प्लस में आकर के इन सब एक्टिविटीज़ में आना चाहिए। तो यहाँ पर ओवरऑल दिखाई दे रहा है कि लोन भी आपके इन सब साइंस के कारण ख़त्म हो जाएंगे, और ओवरऑल जितना भी स्ट्रगल स्ट्रेस चल रहा है, और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, परमानेंट ग्रोथ के लिए ये सारे सिनेरियोज आपके लाइफ में क्रिएट हुए हैं। ये समय आपके जीवन में अच्छा हुआ कि वरीज या स्ट्रगल स्ट्रेस आ गया, क्योंकि अगर यही कॉम्बिनेशन थोड़ा और लेट बनता, यानी आफ्टर 40 या उसके बाद में, तो फिर इतना नहीं संभाल पाते आप जितना आप अभी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा बेटरमेंट के लिए, और ज़्यादा ऊपर ले जाने के लिए, और ज़्यादा न्याय करने के लिए या लोगों का काम करने के लिए किया गया है। और ओवरऑल यहाँ पर आप अच्छा खासा नेम फेम रिस्पेक्ट कंट्री वाइज या इंटरनेशनल लेवल पे तब पा सकेंगे जब यहाँ पर आपके ट्रायंगल या फिश का सिंबल डेवलप हो जाएगा। ये साइन तब डेवलप होते हैं जब हमारे अंदर सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। और ये सभी कुछ आता तब है जब हम अपने ही फील्ड में दूसरे लोगों से ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपका सूर्य बहुत अच्छा जा रहा है। थोड़ा सा और अगर आपने इस पे ध्यान दिया, तो यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो फिश सिंबल बन सकते हैं, जो रईस समृद्ध राजपद दे सकने में आपको सक्षम हो जाएंगे। और फिश सिंबल वैसे भी आपके हथेली में है एक और अगर सूर्य पे बन गई, तो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति सच में जीवन में आपको देखने मिल जाएगा। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है। जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये सब बेसिक नेचर में देता है।
बेसिकली ये शॉर्ट फिंगर इंडिपेंडेंट नेचर डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी, अपने अनुसार काम करने जैसी आदत, फ्रीडम लवर टाइप का बनाता है। इसलिए आप जैसे जातक अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम करा सकने में सक्षम होते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस रिप्रेजेंट करता है जब सैटर्न एंड सन के मिड में गैप हो जाए। इसका तात्पर्य यह है कि हर परिस्थिति में आप ढलेंगे नहीं, परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल सकने में सक्षम हो जाएंगे। और थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो कोई भी नया काम शुरू करने से जैसे आप पीछे नहीं हटते हैं, वैसे ही जब जब आप लाइफ में अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे, कंफर्ट से दूर रहेंगे, स्ट्रगल करेंगे, इनिशिएशन नए नए लेंगे, ये सूर्य आपको इस बात की गारंटी देंगे कि आपके द्वारा किया गया एक एक काम अब सुफलित होगा, सम्मान, सफलता और कहीं गुना ज़्यादा इन सब से आपको मिल सकेगा। आप जैसे ज़्यादा क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी मेंटेन करने वाले होते हैं, यानी यूनिक वे से काम करना, अलग हटके करना, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करना, ये सब सूर्य के अतिरिक्त आता है। फर्स्ट जो फिंगर, इसकी लेंथ शॉर्ट हो रही है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है जिसमें ईगो एटीट्यूड नहीं होता। आप जैसे जातकों के नज़र में हर इंसान एक बराबर होता है, हर किसी को एक तौर तरीके से ही ट्रीट करते हुए देखने को मिलते हैं और छोटों को भी तवज्जो सम्मान देते हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट होने के कारण कई मर्तबा ये स्टेज फियर बचपन में देता है। बचपन में कहीं ना कहीं थोड़े रिस्ट्रिक्शंस में जीवन बिताना पड़ता है या दूसरों के अनुसार, परिवार के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन अभी जो आपकी उम्र है और अभी से आने वाले समय में, एक बात का ध्यान रखिएगा कि बचपन की मेमोरीज़ के कारण ये मरकरी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाने देंगे। बार बार डाउट, रिस्ट्रिक्शंस या सिक्योरिटी की भावना में लेकर के जाएंगे। वहीं सूर्य आपको कह रहे हैं कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अनकम्फर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा। तो कभी भी किसी भी तरह का काम करते समय एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस मत आप लिया करें, क्योंकि यहाँ पर मरकरी जब भी दबा हुआ होता है तो गलत सजेशन, एडवाइजेस मिल जाता है। और दूसरा, जुपिटर माउंट भी आपका वीक है, तो इस कारण से आपको जो सजेशन एडवाइस कर रहे हैं, पहले उनके खुद के लाइफ में आप देखिएगा, तब जा कर के प्रोसीड करिएगा। क्योंकि जुपिटर जब वीक होते हैं तो फेक गुरुज लाइफ में, फेक एडवाइजर्स, इसके बाद में फेक कंसल्टेंट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इस विषय पर आप ध्यान देंगे, आपका जुपिटर थोड़ा मजबूत होना बाकी है। ये मजबूत होगा तब जाके लाइफ में जेन्युइनली हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, स्टेबिलिटी आपके आ सकेगी। तो यहाँ पर कभी भी मल्टीपल टास्क एक समय पर करने से बचें मरकरी के कारण। मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें, ऑर्गेनाइज वे से वर्क करें, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें सन के लिए। आपका लाइफ विद इन 6 मंथ टोटली चेंज हो जाने वाला रहेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली टाइप का नेचर देती है, जिसके तहत आप जैसे जातक हर किसी से अच्छे संबंध बना करके चलने वाले देखने को मिलते हैं। और फिंगर के नोट्स अभी एक्टिव और होना बाकी है, तो और समय के साथ में स्पष्टवादिता आपके अंदर आने वाली है। फेलेंजस और इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। शुक्र माउंट डेवलप बहुत बढ़िया है, तो प्लेजर्स, फुलफिलमेंट, लग्जरीज, कम्फर्ट, रॉयल्टी जैसी आदतों को बढ़ाता है, इसी कारण से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाता है। इसके बाद में चंद्र भी आपका एक्टिव है, जिसके कारण बहुत गहरी सोच, गहन अध्ययन, दूसरों के लिए काम करना, मन बहुत साफ सुथरा होना और ओवरऑल मन का काम होना, ये सब कॉम्बिनेशन चंद्र भी आपके दे रहे हैं। आपका ओवरऑल जो पाम है वो फ्लफी है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, ये एक दिलेर स्वभाव को दर्शाता है। दिल खोल के खर्च करना, दिल खोल के किसी के लिए भी काम करना, किसी को भी प्यार दुलार करना। आप जैसे जातक के अंदर छल कपट नहीं होता, इंजॉयमेंट होता है, खुद भी करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। इसीलिए खर्च करते समय सबसे पहला पर्स आपका निकलता है, अगर आप दूसरों के साथ बाहर गए हुए हैं। कॉम्प्रोमाइज़ आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे लाइफ स्टाइल से, कम्फर्ट, लग्जरी से, किसी को सुख देने से। तो ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी बनाएगा आपके व्यक्तित्व के कारण। यहाँ पर थंब का सही शॉर्ट होने के कारण कई मर्तबा इमीडिएट एक्शन डिसीजन बिना सोचे समझे लेने से नुकसान मिलता है। और वैसे भी लिटिल फिंगर शॉर्ट हो तो कभी भी शॉर्ट टर्म गेंस की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, लॉन्ग टर्म गेंस बेनिफिट यानी दूरदर्शिता रख निर्णय लेना चाहिए, काम करना चाहिए। तो परफेक्शन हर तरह के डिसीजंस प्लानिंग में देखने को मिलता है। फर्स्ट फैलेंज की स्ट्रेंथ ओवरऑल ठीक है, सेकंड फैलेंज पर आड़ी रेखा इस बात को दर्शा रही है कि लड़ाई, झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से बचिएगा, दूसरों के मसलों में पड़ने से बचिएगा। जो आप नियत रख रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, इससे कभी आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। सीधी खड़ी रेखा और एक्टिव होना बाकी है, ये जब और एक्टिव होगी सभी तरह के लॉजिक डिसीजंस एक्यूरेट आपके साबित होने लग जाएंगे। पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वेयर शेड में तब्दील हो रहा है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। किसी भी तरह के पराक्रम, मेहनत, नया काम करने, शारीरिक हो या मानसिक, आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं।
इसे प्रॉपरली अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो पूरा लाइफ का कंसंट्रेशन, मटेरियलिज्म गेन्स, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस और दूसरों को सुख देना, आप जैसे जातक को मांगना पसंद नहीं, देना पसंद है, हाथ फैलाना नहीं, हाथ फैले हुए को भरना पसंद है। ये अर्थ एलिमेंट का बेसिक नेचर होता है। ऐसे जातक खुद बहुत कम रिसोर्सेस कंफर्ट्स में रह लेंगे, बहुत कम सुविधा संसाधन में, लेकिन अपने लोगों को या दूसरे लोगों को उनकी क्षमता से ज़्यादा देने की नियत रखते हैं। इसीलिए आपके हथेली में चंद्र की भाग्य रेखा है कि आप दूसरों का उद्धार करने आए हैं, और ये चीज़ आप कहीं ना कहीं करने ही वाले हैं, और ये बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है। एक प्रॉब्लम ये दिखाई दी है इसमें कि आपका जो अपर फेलेंज और पूरा लाइन्स हैं, माउंट्स हैं, ये पूरे अंडर डेवलप हैं। ये जोन होता है प्लानिंग का, और इस कंडीशन में जब ये वीक होता है तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं बन पाता, और प्लानिंग प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाता। इंस्पिरेशन मोटिवेशन आपके अंदर बहुत है, बहुत कुछ करना है जीवन में, बहुत ऊर्जा उमंग है, लेकिन उस हिसाब से जो परफेक्शन चाहिए प्लानिंग डिसीजन या कंसिस्टेंसी में, वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि थंब जब शॉर्ट होता है तो इसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो लॉन्ग टर्म विजन, गोल या कंसिस्टेंसी या धैर्य के साथ काम करने जैसी ये क्षमता को कम करता है। मेडिटेशन करना चाहिए आपको, प्राणायाम करना चाहिए, अपने साथ समय बिताना चाहिए डेली बेसिस पे, हर दिन लॉन्ग टर्म विजन रख करके दिन की शुरुआत करना चाहिए, और एक सुबह का क्रिया है वो आपको उठते के साथ में करना चाहिए, जिससे आपका पूरा दिन उपयोगी साबित हो सही ढंग से, वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर यह का साइन बन रहा है, तो ओवरऑल अभी तक की लाइफ तो इतनी लग्जरीज कंफर्ट नहीं दिखी, लेकिन आफ्टर 40 आपका जो लाइफ है बहुत ज़्यादा लग्जरीज और मटेरियलिज्म और ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी में भी जाने वाला है। जुपिटर माउंट जब भी दबा हुआ रहता है तो फैमिली से दूर जाने की योग निर्मित करता है। दूर जाने का तात्पर्य दूर जाकर रसने बसने का, और इस तरह की जो आड़ी रेखाएं होती हैं ये दयालु, कृपालु, आध्यात्मिक, धार्मिक, दूसरों के इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को सेंस करने की कैपेबिलिटी स्ट्रांग देता है। एनिमल लवर भी बनाता है ये कॉम्बिनेशन, और आप जैसे ज़्यादा सोशल वर्क करके ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में, तो जितना ज़्यादा आप फ्री में वर्क कर देंगे या दूसरों के काम आ जाएंगे, उतना ज़्यादा आप जुपिटर को स्ट्रेंथ देंगे, क्योंकि जुपिटर नॉलेज, विजडम का यूटिलाइजेशन, सोसाइटी में ग्रेट लेवल का स्टेटस, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस, वो सभी चीज़ जो अदृश्य हैं लेकिन सुख पहुंचाती है, वो जुपिटर है। तो इसे आप ऐसे डेवलप कर सकते हैं, अदरवाइज इसका आपको रेमेडी भी सजेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर के साइन और बाकी साइन और डेवलप हो गए, तो ये परमानेंट स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का साइन है, परमानेंट सक्सेस का साइन है, यह आपको जीवन में देखने को मिल जाएगा आने वाले 3 से 4 साल के अतिरिक्त। सैटर्न माउंट आपका डेवलप अच्छा है, तो मेहनत कर्म में कोई कमी नहीं होती है, और फिश सिंबल अभी और मजबूत होना यहाँ पर बाकी है। फिश सिंबल जब बनता है तो ये टाइकून बनाता है, बिजनेस टाइकून बनाता है। कैसे व्यक्ति अपने घर परिवार में बहुत बड़े स्तर पे अपने कुल का नाम लेकर के जाते हैं, या ऐसी व्यवस्थाएं करके जाते हैं जिससे आने वाली जनरेशन का जो स्ट्रगल है वो गैप हो जाए, पूरा का पूरा बेस मजबूत करके जाते हैं। इसलिए सैटर्न यहाँ पर परमानेंट और ह्यूज सक्सेस देने के कैपेबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पर आपको निष्काम कर्म पे अगेन ध्यान देना है, और यहाँ पर आगे चल करके जो त्रिशूल की आकृति बनी है ये यूं ही नहीं, ये इसका तात्पर्य होता है मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग, मल्टीपल सोर्सेज से पैसा जाता भी है, लेकिन इसका तात्पर्य है अधिक खर्च अधिक आए, जितना कमाएंगे उससे उतना खर्च भी होगा, और जितना खर्च करेंगे उससे ज़्यादा कमाएंगे। यहाँ पर इसका पूरा झुकाव आपके सैटर्न एंड सन के मिड में जा रहा है, और इधर एक विद्या रेखा भी है, तो कंसल्टेशन लाइन तो आपके लिए बहुत परफेक्ट है। जो आप कर रहे हैं इसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की है, और सूर्य पे जब भी बायफोर्क होता है तो आगे से ऑफर आता है साइड बिजनेस, वर्क या अर्निंग का, तो इसके लिए थोड़ा वेट करें। तब तक अपना जो स्किल स्पेशलाइजेशन है उसको बढ़ाने में, फोकस, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म विजन को बढ़ाने पर ध्यान दें, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके लाइफ लाइन से है सन लाइन का, और लाइफ लाइन से कनेक्शन होने यानी ऐसे जातक अपने खुद के बलबूते पर नाम, सम्मान, धन, दौलत, वैभव, कीर्ति कमाते हैं। गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं मिलता, सब खुद के दम से हासिल करने की योग्यता ईश्वर देते हैं। तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए कभी भी अपने गुडविल को ख़राब नहीं होने देना किसी भी हालत में, भले अर्निंग नहीं भी हो, अभी समय थोड़ा विपरीत चल रहा है, पूरा विपरीत भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी नीयत से आपको पीछे नहीं हटना है। यही सूर्य आपको सब कुछ दूसरों से खींच खींच के ला के देंगे, उसका तात्पर्य है सफलता। इसके बाद में यहाँ पर एक आप फॉर्मेशन देखेंगे जिसमें आपको बहुत माइन्यूट लेवल पे फिश सिंबल का साइन बनता दिखेगा। ये यशस्वी योग का निर्माण करता है, जो जातक बहुत ज़्यादा समृद्ध हो पाते हैं, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं,
उनके हाथ में इस तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं और ये बिजनेस को मरकरी की तरफ झुका है, इसलिए बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क कोई प्रेफर यहाँ पर ये कर रहा है। तो जितना ज़्यादा आप रिलेशन बनाएंगे, कॉन्टेक्ट बिल्ड करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे या लोगों को जोड़ेंगे, उतना ज़्यादा आपका काम भी फैलने वाला रहेगा। मरकरी माउंट आपका दबा हुआ है और थोड़ा कम एरिया भी ले रहा है, तो आपके अंदर इन्फॉर्मेशन नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन समय पर आप उसे यूटिलाइज अपने लिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हथेली में जब विद्या रेखा होती है तो अपना ज्ञान खुद के काम आता है भी नहीं है। आप देखे होंगे अपने जीवन में कि बहुत सारे एडवाइजर, सजेशन, गाइडेंस आपने किसी को भी रैंडम दिया हो और उन्होंने वो फॉलो किया हो, उनका काम बन जाएगा। इवन आप किसी के साथ जुड़ जाएं तो भी उनका काम बन जाएगा, लेकिन यही चीज़ अपने लिए काम नहीं कर रही है, क्योंकि आप अपने अच्छे मित्र नहीं हैं। जिनका भी बुध ऐसे कमज़ोर होता है या गुरु कमज़ोर होता है, ये अपने से बहुत दूर होते हैं। दूसरों के तो बहुत करीब रहेंगे, दूसरों का मसला तकलीफ़ यानी आपकी, लेकिन आपको अपने बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा कम ज्ञात रहेगा या अपने ऊपर आप ध्यान कम देंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर बुध गुरु का रेमेडी करना ज़रूरी है, कि सब क्वालिटीज़ है लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं होने के कारण सक्सेस रुकी हुई है। हृदय रेखा की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक जा रही है, हार्ट लाइन में एक यहाँ पर और एक इधर, ये समय है 37 और ये है 39-40। इन दोनों पीरियड में मनी लॉस चीटिंग के द्वारा हो सकता है, थोड़ा सा प्रिकॉशन इस पीरियड में रखना है। इसके बाद में अप्रोक्स 34 के आसपास में एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन बहुत था आपको। इसके बाद में जल्दी आवेश में आकर के काम करने जैसी आदत हमेशा से रही है, उतावलापन, बेचैनी भी, और एक शाखा जुपिटर की तरफ जाने के कारण आपकी नियत, कर्म, दिल बहुत ज़्यादा साफ है। ओवरऑल ये मिक्स टाइप का नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें सिंपैथेटिक, सपोर्टिव, सीरियसनेस, एग्रेसिव टाइप का नेचर भी है। तो जैसा समय परिस्थिति रहता है उस हिसाब का आपका नेचर, पर्सनैलिटी यहाँ पर बिल्ड हो जाता है। और जो स्टार्टिंग लाइफ की मरकरी पे हमने बात की, वो देखिए लाइफ लाइन पे, कि पूरी लाइफ लाइन यहाँ पर जुड़ करके चली है 20 और 21 के एज तक, और उसमें आइलैंड के कॉम्बिनेशन भी जब होते हैं तो नेगेटिव मेमोरीज चाइल्डहुड में ये रिप्रेजेंट करता है। बुलिंग का भी सामना करना पड़ता है, हेल्थ इश्यूज भी फेस करने होते हैं, और ओवरऑल इतना ज़्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंट टाइप का बचपन या ओवरऑल टीनेज नहीं होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आके आपकी माइंड लाइन की स्थिति ठीक हुई, फिर यहाँ एक छोटा आइलैंड बना अप्रोक्सीमेटली 31 से 32 के मिड में। ये पीरियड मेंटल स्ट्रेस में गया, फिर अब ट्रायंगल का साइन बना हुआ है कि ये जो लाइफ में अभी जो फेस चल रहा है ये आपको और ज़्यादा मजबूत कर रहा है नई नींव रखने के लिए, नया काम, अपने काम को बढ़ाने के लिए। इसका सबका असर आपको 37 के बाद में आने वाला है। फिर यहाँ पर ओवरऑल माइंड लाइन की कंडीशन बिल्कुल ठीक हुई। बायफोर्क का साइन, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, चतुर चालाकी, इसका तात्पर्य अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, सही समय पर सटीक निर्णय ले पाना, इन सबको दर्शाता है। तो ओवरऑल आपकी माइंड लाइन स्ट्रेट होने के कारण सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट ये दे रहा है। इसका तात्पर्य यह होता है कि आप जैसे जातक के जीवन में या किसी और के जीवन में कैसा भी मसला हो, सीधे कैसे हल करना है, शाम दम दंड भेद उपयोग कर, ये यहाँ पर दर्शाता है। ये माइंड लाइन आपको बहुत मजबूत मिली है, ये इंडिकेट कर रही है कि आपके खुद के अंदर हर विषय को लेकर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है किसी भी सीनेरियो से फाइट कर सक्सेस पाने की। इसीलिए यहाँ पर इसका डायरेक्ट कनेक्शन आउटर मार्स में हुआ है, जो विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके करवाता है। तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस ही आपका लेसन नॉलेज है, और आपका मेंटली एक्टिवनेस प्रेजेंट मोमेंट पे रखना ही आपका फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ग्रोथ है। तो इन दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है, तो आपके द्वारा लिया गया एक एक डिसीजन, प्लानिंग, योग्यता, सब चीज़ एक्यूरेट यहाँ पर साबित हो जाएगी। तकरीबन 27 के आसपास तक किसी का ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिला, उसके बाद जाकर के सपोर्ट सिस्टम भी लाइफ में शुरू हो रहे हैं। अभी जो वरीज़ हैं आपको अपने फैमिली के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा आ रही है, ये सारी वरीज़ आपकी रेमेडीज़ के बाद में ख़त्म हो सकेगी। बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के, फॉरेन ट्रैवलिंग्स के, और दूर दूर तक नाम और काम करने के योग यहाँ पर इस तरह का बायफोर को लाइफलाइन देता है, कॉम्बिनेशन ऐसे डेवलप करते हैं। और जब केतु शुक्र से मिलकर रेखा ऐसे निकलती है तो फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस भी हाई हो जाती है। सब इवेंट 45 के बाद में देखने मिल सकता है। अभी तो यहाँ पर क्रॉस का साइन है, लेकिन इसके बीच में ट्रायंगल भी है, जो अगेन फॉरेन से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। और शुक्र से जो ये रेखा निकली हुई है चंद्र पे, इसे कहते हैं वियालाई सविया, ये किसी भी तरह का एडिक्शन दे सकता है। तो गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहना है। ओवरऑल लाइफ लाइन का फ्लो भी अच्छा हो रहा है, सडन गेन प्रोग्रेस के चांसेस भी हैं। पैसा भले ही नहीं रुक रहा हो, लेकिन पैसे आने का योग और इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा पैसों का बढ़ोतरी का योग भी यहाँ पर आपके हथेली में है, थोड़ा इसे और मेंटेन करना है। अंदरूनी बाहरी मंगल विकसित ठीक है, जिसके तहत शारीरिक बल, ऊर्जा या मानसिक बल ठीक देता है,
फिजिकल फिटनेस, मेंटली अलर्टनेस डेवलप करता है। शुक्र मोन डेवलप हो तो बहुत यूनिक चॉइसेस, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आना, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन ज़्यादा करना, हाइजीन मेंटेन करना, बड़ी सोच नियत रखना, ये सब शुक्र के अधीन है। इसीलिए अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा करें, ग्रेटिट्यूड रखें, स्ट्रेस, वरीज, बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, ऐसी सारी चीज़ों से मुक्त रहिए, चिंता मुक्त रहिए, तो शुक्र आपके जो डेवलप हैं ये खुद से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपके जीवन में आएगी, खूब ज़्यादा लक्ष्मी आएगी। लेकिन खुद को उसके काबिल बनाना, वैसी एनर्जी मेंटेन करने के लिए शीतल शांतिपन चाहिए, और वो चीज़ आपको ज़बरदस्ती ही सही पर लानी पड़ेगी। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर होना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे कर जो भी कुछ है आपके पास उसका भोग आप अच्छे से कर सकेंगे, प्लेजर फुलफिलमेंट अच्छे से हो सकेगा, चीज़ें बढ़ सकेगी। केतु की स्थिति कुल मिलाकर के सामान्य है, और ट्रायंगल का साइन अगेन एक सडन गेन प्रोग्रेस का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, और ओवरऑल यहाँ पर और अनदर लाइन जो डेवलप हो रही है ये सारी, ये सब नए नए तरह के लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ आपको लेकर के जाने वाली है। लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी जो मर्करी लाइन से इसकी कंडीशन बेटर होती जा रही है। सन लाइन के ऊपर भी हम देख सकेंगे तो सन लाइन और अनदर सभी लाइन डेवलप हो रही हैं। लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में जब राइट हैंड अच्छा होता है तो ये दर्शाता है कि भूतकाल से लेकर जो वर्तमान की स्थिति वो ज़्यादा बढ़िया है। भूतकाल में हमेशा मानसिक रूप से कहीं ना कहीं चिंता, तकलीफ, परेशानी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, बर्डन, ये सब रहता था, पर अभी माइंड लाइन की कंडीशन बहुत अच्छी देखने मिली है। तो जितना ज़्यादा आप कूल काम रहेंगे उतना एक्यूरेट डिसीजंस ले पाएंगे और उतना सही लाइफ होता जाएगा। आपके लक में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ये सिर्फ एक नकारात्मक पक्ष चल रहा है आपके जीवन में और ये फाइनल है। इसके बाद में आपके जीवन में किसी तरह की बड़ी नकारात्मकता और इतनी ज़्यादा तकलीफें तो नहीं आने वाली है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।